गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1C ऑफ क्लास 9. इन द एक्सरसाइज 1B एंड 1A वी नो अबाउट द रैशनल नंबर. इन द एक्सरसाइज 1C वी नो अबाउट इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर What is irrational number? A number which can neither be expressed as a terminating or nor can be a repeating. किसी भी नंबर को ना तो हम टर्मिनेटिंग में दर्शा सकते हैं ना ही हम रिपीटिंग में दर्शा सकते हैं. वैसे नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं. क्या है? A number which can neither be expressed as terminating nor as a repeating decimal. वैसा जिसको कि ना तो हम टर्मिनेटिंग में दर्शा सकते हैं ना ही रिपीटिंग में दर्शा सकते हैं वैसे नंबर्स. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? जो परफेक्टली डिवाइड नहीं होता है, जिसका रिमाइंडर जीरो आता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है. तो ना तो हम टर्मिनेटिंग में दर्शा सकते हैं, यानी 6.25 यह टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं होता है. और रिपीटिंग जैसे कि 3.333 ये भी जो है सो आपको टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स नहीं होता है. तो ना तो ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए और ना ही रिपीटिंग होना चाहिए. तो होना क्या चाहिए? तो उसके लिए उसके चार टाइप्स दिए हुए हैं. टाइप वन में आइए. टाइप वन क्या होता है? 0.01 एंड सो ऑन. 0.23 एंड सो ऑन. आप इसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक डिजिट्स में या जीरो है या वन है, फिर वन के बाद जीरो की मात्रा बढ़ रही है. दो जीरो हो रहा है, फिर तीन जीरो हो रहा है, फिर चार जीरो हो रहा है, आगे में वन के बाद पांच जीरो होगा. इस प्रकार से वह इंक्रीज करता जाएगा. वह परफेक्टली ना तो रिपीटिंग में आएगा और ना ही टर्मिनेटिंग में आएगा. ये जो है सो पहला टाइप है इरेशनल नंबर्स के. या 23 है, 233 है, 2333 है, 243 है, मतलब नेक्स्ट टाइम जब भी हम उसको करेंगे 3 की परसेंट मात्रा जो है वो बढ़ते जाएगी. इसी प्रकार से 0.21 2111 2111 2111 2 एंड सो ऑन. इस प्रकार से ये टाइप वन है इरेशनल नंबर्स के. दूसरा होता है टाइप टू. इरेशनल नंबर्स नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, यानी जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता. जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट एट, रूट टेन, ये सभी के सभी इरेशनल नंबर्स है. टाइप थ्री में आइए. टाइप थ्री इसमें कौन से होंगे? नॉट ए परफेक्ट क्यूब. Not a perfect cube. यह perfect cube नहीं होता है. जैसे cube root 2, cube root 3, cube root 4, ये सभी के सभी क्या होते हैं? Irrational numbers होते हैं. और type 4 क्या आता है? ये type 4 में single है, इसका कोई type नहीं है. वो होता है pi. Pi is irrational नंबर, क्योंकि पाई का वैल्यू परफेक्टली एग्जैक्टली पाई का वैल्यू एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है. एग्जैक्टली 22/7 वैल्यू इसका नहीं आता है. ठीक है,
तो ये पाई जो होगा वह इरेशनल होगा और 22/7 जो होगा वह रेशनल नंबर होगा। यह क्लियर हो गया कि इरेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, कैसे हम इरेशनल नंबर्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। किसी भी दो इरेशनल नंबर्स, टू इरेशनल नंबर, ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को हम जोड़े, घटाएं, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड तो वह इरेशनल ही आएगा, यह जरूरी नहीं है। इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सम की बात करें, टू इरेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं तो सपोज दैट मान लीजिए 2+√3 इरेशनल नंबर है और 2-√3 भी इरेशनल नंबर है, तो इसको हम प्लस करते हैं तो ये और ये कट जाएगा और यहां आ जाएगा 4 जो रेशनल नंबर होगा, है ना। और यह भी जरूरी नहीं है कि रेशनल ही आएगा, क्योंकि √3 और +√3 अगर हम करते हैं तो यह 2√3 हो जाएगा जो इरेशनल है। तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, सेम दो इरेशनल नंबर रहेंगे तब। किस में, सम में भी वही स्थिति होगा, सब्ट्रैक्ट में भी वही स्थिति होगा, मल्टीप्लाई में भी वही स्थिति होगा और फिर डिवाइड में भी सेम एज इज वन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं जैसे फॉर √3 + 2 - √3 - 2 यहां क्या हो जाएगा, √3 + 2 - √3 और +2 ये कट गया, यहां 4 आ गया। तो यहां ये और ये इरेशनल नंबर है, उनको सब्ट्रैक्ट भी किया तो रेशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ सकता है कोई दूसरा टर्म्स लेंगे तो। सपोज दैट यहां √2 ले लिया और यहां हमने लिया (1/√2) तो √2 √2 कट गया, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, रिजल्ट हमारा क्या आ गया 1, वह रेशनल भी हो सकता है। इसी प्रकार डिवीजन में भी होता है, जैसे (2√2) और (/√2) ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये और ये कट गया, वैल्यू आ गया 2। तो ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को हम लेंगे तो वह इरेशनल ही आएगा या रेशनल ही आएगा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर यही चीज यहां चेंज हो जाता है, एक हम रेशनल लेते हैं, 1 रेशनल एंड अनदर इरेशनल, दूसरा इरेशनल लेते हैं, तो यह ट्रैक बदल जाता है। वैसी स्थिति में ऑलवेज हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, हमेशा इरेशनल होगा। जैसे सम में अगर हम ले लिए, एक ले लिए 2 और दूसरा ले लिए √3, ये इरेशनल है और यह रेशनल है, अगर दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास आएगा 2+√3 जो इरेशनल नंबर होगा। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2-√3 (2 rational, √3 इरेशनल, 2-√3 या क्या हो गया इरेशनल, मल्टीप्लाई करते हैं 2 × √3 (2 rational, √3 इरेशनल, रिजल्ट 2√3 या भी इरेशनल, डिवाइड करते हैं अगर 2/√3 करते हैं तो यह हो जाएगा क्या 2 rational और √3 irrational, 2/√3 irrational, यानी कि एक रेशनल और एक इरेशनल लेते हैं तो हर स्थिति में उसका रिजल्ट इरेशनल ही आता है। अब यहां कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे आप क्लासिफाइड कर पाए
पाएंगे कि इरेशनल है कोई भी टर्म। आपको हमने पहले ग्रुप पर बताया था कि चार टाइप्स के इरेशनल नंबर्स होते हैं, अगर वैसी स्थिति में है तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है कि कैसे किसी दो नंबर्स में के बीच में, चाहे वो रेशनल इरेशनल हो नो डाउट, किसी दो नंबर के बीच में एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग वो क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। थ्री और फोर दो रेशनल नंबर्स हैं, उसके बीच में एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर हमें निकालना है। तो आप देख लीजिए यहां पर रेशनल नंबर का फॉर्मूला होता है, किसी भी रेशनल नंबर बिटवीन ए रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 इक्वल टू 1/2x + y, x is 3 and y is 4, सो 1/2 × 3 + 4 दैट मीन 7/2। ये तो इजिली फाइंड आउट हो गया क्योंकि यह फॉर्मूला आपको हमने पहले बताया है फर्स्ट एक्सरसाइज में, जब हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है d = y − x / n + 1, है ना, जो x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d करके हम लोग निकालते हैं। और ये है जब एक रेशनल नंबर निकालना होता है किसी दो रेशनल नंबर के बीच में तो दोनों को एड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन यहां जब इरेशनल नंबर की बात होगी तो इरेशनल नंबर में हम लोग जानते हैं कि 3 यहां जो है 3 और 4 के बीच में वैल्यू निकालना है, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 3.10, 100, 1000, 1000, 140, ये तो अपने स्तर से हमको बैठाना है जो 3 और 4 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि 3.0 उसका वैल्यू है या 3.1 है वैल्यू, वहां उसका 4.0 वैल्यू है जो 3.0 और 4.0 के बीच में है, 3.0 से यह बड़ा है और 4.0 से यह छोटा है, दैट मीन्स दिस इज द इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अगर यही चीज केवल दो इरेशनल नंबर्स निकालने होते, दूसरा क्वेश्चन होता कि फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ये 1/7 और 2/7 के बीच में अगर हमको दो इरेशनल नंबर निकालना होगा, अगर 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर्स निकालना होगा तो हमारे पास यहां रिजल्ट क्या आएगा, 1/7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.1142857 होगा इसका रिजल्ट, और 2/7 का रिजल्ट क्या होगा तो इसको भी अगर हम डिवाइड करके देखते हैं तो 0.285714 होगा। ये रेकर्डिंग में होगा, ये भी रेकर्डिंग में होगा, दैट मीन्स कि यह रिपीट कर रहा है ना, दैट मीन्स किसका वैल्यू, जैसे कि देख लीजिए 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं 1 में नहीं लगेगा, पॉइंट दिए 0, 10 1 7 1 7 1 sorry 3 30 7 4 28 3 2 20 7 2 14 6 60 8 7 56 4 40 5 35 5
50, 7 जा 41, 9, 1, फिर 0 आएगा और यहाँ आएगा 7 टाइम्स में 7, फिर यहाँ 1 आ जाएगा 4, 2, 8, 5, 7 रिपीट हो जाएगा ये। तो यहाँ के बाद आपका रिपीटेशन शुरू हो जाता है। सो आपका रिजल्ट होगा यहाँ आपको 1, 4, 2, 8, 5, 7 रिपीटिंग नंबर्स, 2, 8, 5, 7, 1, 4 रिपीटिंग नंबर्स। और पता है एक और बात मैं बता दूं आपको, दिस इज द लेंथ। जब भी रिकरिंग होता है तो रिकरिंग में क्या है कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो लेंथ ऑफ पीरियड जो हो जाएंगे, लेंथ ऑफ पीरियड इक्वल टू 6 पीरियड्स हो जाएंगे। इसलिए डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स के बाद रेकनिंग होता है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ पीरियड कहलाता है। ये थोड़ा दूसरा चीज है, बीच में घुस गया है ना। अब फिर नेक्स्ट हम करेंगे कि अब इसके बीच में हमको टू इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.142857 रेकनिंग एंड 0.285714 रेकनिंग इक्वल टू 0.1 and 2 बिटवीन 1 and 2 and 4 and 8। सो 1 and 2 इज 10100 10001 and so on. Another number is 1.33 and so on. ये देखना है कि ये वजीबूत 1 और 2 के बीच में after the decimal ये आने चाहिए, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमारे जो है सो फाइंड आउट हमने कर लिया। उसी ढंग से अगर यहाँ रूट रहेगा √2 और √3, तो √2 और √3 का वैल्यू आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसको इसी ढंग से आप फाइंड आउट कर लीजिए। इस ढंग से आप एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है आपको, यू मस्ट बी कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 9934085637 एंड जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उसका क्लिक करके फोटो खींच करके आप मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए और मैं उसका रिप्लाई आपको आंसर सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, थैंक यू।